कल हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हमने तीन फैक्टर्स किए थे. फर्स्ट कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक केटायन फॉर्म होना चाहिए, केटायन फॉर्म होना चाहिए और केटायन फॉर्मेशन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो. नंबर टू एनायन फॉर्म होना चाहिए और एनायन फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई. एंड नंबर थ्री जब केटायन और एनायन बन जाता है तो एक क्रिस्टल लैटिस बनता है, यहाँ क्रिस्टल बनता है और उसके स्ट्रक्चर को हम लैटिस बुलाते हैं. तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बुलाते हैं लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी भी हाई होनी चाहिए. तो जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या बनाता है, इट गिव्स अस अ टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स. सो आयनिक कंपाउंड्स कौन से हुए, दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. और वो जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है वो बना किस तरह से है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So today we are going to do the general properties of ionic compounds. ठीक है, first property, the first property is physical state. As we discussed yesterday, कि जितने भी ionic compounds होते हैं वो एक definite pattern बनाते हैं. और उस डेफिनेट पैटर्न को हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज अ लैटिस. ठीक है, या अनदर वर्ड इट इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, सो क्रिस्टल लैटिस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी केटायन और एनायन की कॉम्बिनेशन से जो बनता है. हमने कल एक एग्जाम्पल किया था सोडियम क्लोराइड का, उसका स्ट्रक्चर भी देखा था हमने कि सोडियम क्लोराइड एक क्यूब स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें हर एक सोडियम जो है वो सिक्स क्लोरीन एटम्स के साथ सराउंडेड होते हैं और हर एक क्लोरीन जो है वो सिक्स सोडियम के साथ सराउंडेड होते हैं. तो आयनिक कंपाउंड्स जितने भी होंगे फिजिकल स्टेट अगर हम उसकी देखें तो जनरली आयनिक कंपाउंड्स exist in the form of solids. ठीक है, solids in the form of crystal lattice, ये first इसकी property है. The second property is melting and boiling points. Melting and boiling points. अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो फोर्सेस कौन से थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो अगर किसी भी दो चीज के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. तो इसका मतलब कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, देन नंबर थ्री सॉल्युबिलिटी. राइट, हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक. लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या हुआ कि वॉटर जैसे है, वॉटर में सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स जो है वो सॉल्युबल होंगे क्योंकि हम बोलते हैं कि वॉटर में भी स्लाइट चार्जेस होते हैं. स्लाइट चार्जेस का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो उसमें चार्जेस डेवलप हो जाएंगे. तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर. वेयर एज जितने भी हमारे जैसे क्या कहते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम लोग आगे करेंगे वो सारे के सारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते.
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर आपको पता है तो नाम सुना है आपने, जैसे सैंड ले लो, चलो सैंड अगर हम लेते हैं तो सैंड इज अ कोवलेंट कंपाउंड। तो सैंड अगर आप पानी के अंदर डालते हो तो क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। सो सैंड जो है वो डिसॉल्व होगा किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, क्यों, क्योंकि जो सैंड है उसमें कोई भी डिफरेंट चार्जेस नहीं है, इसलिए वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो सैंड जनरली हम बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व होता है, ठीक है। वेयर एज जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे डिसॉल्व होते हैं इन वाटर एज वॉटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब इट हैज डिफरेंट चार्जेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सो जितने भी आयनिक है आयनिक में भी आयन्स हैं और जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें भी आयन्स हैं, इसलिए जितने भी आयनिक होंगे वो सारे के सारे डिजोल्व होते हैं वॉटर के अंदर एंड दे आर insoluble in organic solvents. They are insoluble in organic solvents. ठीक है? Then the third property, fourth property is electrical conductivity. क्या होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बुलाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है दैट इज ड्यू टू मोबिलिटी या मूवमेंट ऑफ आयन्स। जैसे ही हम किसी भी एक आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में वॉटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयन्स। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं और सोडियम क्लोराइड को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। अब ये जो यहां पे आयंस बने, दीज आयंस आर फ्री टू मूव, ठीक है। जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो तभी कंडक्ट होती है कि या तो इलेक्ट्रॉन्स वायर की थ्रू मूव कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में लेके जाते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ते हो उसको, ठीक है। उसी तरह से या फिर आयन्स मूव कर रहे हैं तो आयन्स भी क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाएंगे एक पोर्शन से नेक्स्ट। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बट लेटर। सो अभी आपने यही याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, और वो जो फ्री आयंस हैं वो तभी पॉसिबल है अगर हम लोग किसी भी एक आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे रिस्पेक्टिव आयंस बन जाएंगे, ये आयंस मूव करने लग जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो ऑल आयनिक कंपाउंड्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड देन फिफ्थ, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी हम ले NaCl ले, डायरेक्शन जब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में तो हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की। आपको मालूम है कि तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमने जब ऑर्बिटल पिक्चर करी थी एक्स वाई और जेड, जब भी हम थ्री डायमेंशंस में करते हैं तो थ्री कोऑर्डिनेट्स करते हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि जो एक एटम है सेंट्रल एटम उसके साथ जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं वो इस किसी भी एक कोऑर्डिनेट की तरफ को अपने आप को डायरेक्ट करें,
दैट इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड. पर यहां पे आयनिक बॉन्ड में हमारे पास NaCl है. सो NaCl में क्लोरीन कोई भी डायरेक्शन नहीं लेता. इट कैन टेक एनी डायरेक्शन इट वॉन्ट्स. कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इसकी नहीं होती. उसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड भी लेते हैं तो ये वाले क्लोरीन जो है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं तो ये कोई भी प्लेस ले सकते हैं इन अ कंपाउंड. ठीक है. सो देयरफॉर वी से कि दे हैव अ नॉन डायरेक्शनल नेचर. ये अपने आप को तीनों कोऑर्डिनेट्स में से किसी भी कोऑर्डिनेट की तरफ को डायरेक्ट नहीं होते. बहुत सिंपल सा इनका स्ट्रक्चर रहता है. तो इसलिए इन कंपाउंड्स को हम क्या बुला रहे हैं, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. ठीक है. सो ये दीज आर द फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स. फिजिकल स्टेट, जनरली दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस. नंबर टू, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई है इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके हाई होते हैं. नंबर फोर, सॉलिबिलिटी इनकी वाटर के अंदर इसलिए होती है बिकॉज दे हैव आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. नंबर फाइव, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस दे हैव द टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड नंबर फाइव, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. ये किसी भी कोऑर्डिनेट्स की तरफ को अपने आप को डायरेक्ट नहीं करते. ठीक है. सो आयनिक कंपाउंड्स हमें समझ में आ गए. एनी प्रॉब्लम इन दिस? नथिंग. सो वी गो ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स या बॉन्ड्स व्हिच आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दे आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब जैसे आयनिक बॉन्ड में एक स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देता था दूसरे स्पीशीज को और दूसरा स्पीशीज उनको अट्रैक्ट कर लेता था अपनी तरफ को, वैसा यहां पे नहीं होता. यहां पे अगर पांच फ्रेंड्स हैं और पांच स्वीट्स हैं तो वो पांचों फ्रेंड्स एक एक स्वीट को शेयर कर लेंगे. ठीक है. सो उसमें शेयरिंग ऑफ, अगर दस भी है तो आधी आधी शेयर कर लेंगे. सो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू टेक प्लेस. ओके. सो दैट इज व्हाट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक और हाइड्रोजन है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. हाइड्रोजन को नोबल गैस हीलियम तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? टू. मतलब इन टोटल टू, वन उसके पास है, वन और चाहिए. ठीक है, टू चाहिए. तो ये कहता है कि मैं तेरा वाला शेयर कर लेता हूं और ये कहता है कि मैं तेरा वाला भी शेयर कर लेता हूं. तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? इसका शेयर कर लेगा. और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? इसका भी शेयर कर लेगा. तो इसके पास भी टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी टू इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ठीक है. सो व्हेनेवर वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड इट फॉर्म्स ओनली वन बॉन्ड. और इसको हम क्या बुलाते हैं? सिंगल बॉन्ड. ठीक है. उसी तरह से ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं. ये हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं साथ साथ ही. ठीक है. ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं. ऑक्सीजन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स. नियरेस्ट नोबल गैस या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? टू मोर. सो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा. ठीक है. और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा. तो अब इसके पास भी एट इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डबल बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज डबल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो टोटल हमारे पास कितने होने चाहिए एक ऑक्सीजन के पास? 8। सो 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, उसी तरह से इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर हो गया? देन वी हैव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 5, 2s2 2p3, है ना। और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5। सो ये नाइट्रोजन 5, इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 मोर। सो ये 5 और इसके 3 शेयर कर लेगा, 8 हो गए। और ये इसके शेयर कर लेगा, इसके पास भी 8 हो गए। ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 3 शेयर्ड करे उन्होंने। सो व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब आप यहां देखो, इनके पास 3 डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो हर एक एटम के वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बुला रहे हैं? सो कोवेलेंट बॉन्ड में फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स हुए? विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ ईच एटम। वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल ऑफ ईच एटम, उसे हम क्या बुलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकेंड ऑक्सीजन में आप देखो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये और ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्डिंग में। ठीक है, सो जो सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं करते, उनको हम बुलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए? विच आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। फिर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, 1, 2, 3, 4 इन ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नाइट्रोजन, इनको हम क्या बुलाते हैं? They are known as shared pair of electrons. So, तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है या आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स का आगे हमारे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होते हैं, राइट। इज इट क्लियर? ओके, अब इसी तरह से थोड़े से हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे थोड़े और मॉलिक्यूल्स के, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हमने कैसे बनाने, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, राइट। हमने हाइड्रोजन का बना लिया, ऑक्सीजन का बना लिया, नाइट्रोजन का बना लिया। अब हम बनाते हैं लेट्स से क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, दूसरे के पास भी
सेवन. सो ये इसका शेयर कर लेगा, ये इसका शेयर कर लेगा. तो रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, सीएल विद अ सिंगल बॉन्ड. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो मॉलिक्यूल्स जिसके पास सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे मॉलिक्यूल्स है ना, इनके पास सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो जिसके पास सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स. तो ये सारे के सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए दे ऑल आर होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब ये जितने हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, हेटेरो एटमिक, क्योंकि डिफरेंट तरह के एटम्स है. सो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले हम लुई स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, जो ये सेंटर वाला एटम है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमको लिख दें. कार्बन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोर. ठीक है, ऑक्सीजन के पास सिक्स, राइट. उसी तरह से एक ऑक्सीजन इस टाइप बना देते हैं. कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फोर इलेक्ट्रॉन्स. और ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, टू. सो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ये टू शेयर कर लेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके टू शेयर कर लेगा, राइट. और जो ये कार्बन है ये इस ऑक्सीजन के ये वाले दोनों भी शेयर करेगा और ये दोनों भी शेयर करेगा. सो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सो कार्बन क्या कर रहा है, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि वो दोनों शेयर कर रहा है इसलिए वो क्या कर रहा है, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है. थर्ड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड सीसीएल फोर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फोर. क्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सेवन. सो हर एक क्लोरीन को कितना चाहिए, वन. और कार्बन को कितने चाहिए, फोर. सो इन दिस केस हम कार्बन को सेंटर में रख के उसके चार इलेक्ट्रॉन्स चारों डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, एक क्लोरीन हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे, सेवन इलेक्ट्रॉन्स. सेवन इलेक्ट्रॉन्स ठीक है. ठीक है, अब ये क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो ये वाला कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. उसी तरह से ये वाला क्लोरीन इसका शेयर कर लेगा. Then, अब ये कार्बन क्या करेगा, सारे क्लोरीन के चारों शेयर कर लेता है. ये शेयर कर लिया, ओह क्या रह गया. ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया और ये भी शेयर कर लिया. तो रिप्रेजेंट हम इसे कैसे करेंगे, CCl4. उसी तरह से मीथेन का भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम है बिल्कुल इसी की तरह, सिर्फ आपने क्लोरीन की जगह यहां पे भी हाइड्रोजन लेना है, यहां पे भी और यहां पे भी, और हर एक हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वन. सो वो वन वन आपने ले लेना है. ठीक है, सो CH4 का जो स्ट्रक्चर आएगा
In a similar manner, CH4 के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे जितने हमने किए ये सब न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, ठीक। अब हम कुछ करते हैं जिनके ऊपर चार्जेस भी हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा हम क्या करेंगे, क्या बोला मैंने कि अभी हमने जितने भी करे वो सारे न्यूट्रल है, राइट। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, तभी वो कैटायन और एनायन बनता है ना। तो उसी के बेसिस पे कुछ हम लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं CO3 टू नेगेटिव, दिस इज द कार्बोनेट आयन CO3 टू नेगेटिव। अब कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या ऑक्सीजन के ऊपर या कार्बन के ऊपर, ठीक है। सो कार्बोनेट का देखो किस तरह से हम बनाएंगे, एक कार्बन हमने यहां लिख दिया, एक ऑक्सीजन यहां लिख दिया, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, इस वाले को इस साइड ड्रॉ करो, 6। और ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने होंगे, 6, ठीक है। अब जब कार्बन का हम लोग शेयरिंग करेंगे तो कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, नहीं वैसे कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4। सो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां डाल दिए। टू नेगेटिव चार्ज, टू नेगेटिव चार्ज का मतलब देर आर टू मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो उन टू इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां डाल देते हैं, राइट। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको शेयर कर लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको शेयर कर लेगा, ठीक है। और ये वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसको शेयर कर रहा है। पर जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे हम टू नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, जस्ट टू शो कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास ज्यादा है। समझ आया, दो इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। अब वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वो नेसेसरीली हम इस तरह से शो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं ले रहे तब भी हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। पर कार्बोनेट आयन को बेसिकली हम शो कैसे करते हैं, कार्बोनेट आयन का एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है, और दो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, राइट। और टू नेगेटिव चार्ज हमने इसके ऊपर लगाना है, टू नेगेटिव, ठीक है। अब वो टू नेगेटिव चार्ज आ रहा कैसे है, देखो ये कार्बन है, हमको सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1, 2, 3, 4। सो कितने और होने चाहिए, 4, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 और 2, तो कितने और होने चाहिए, 6, ठीक है। उसी तरह से इस ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 6। तो जब भी किसी ऑक्सीजन के पास लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 2 नेगेटिव है वो 1 नेगेटिव इसके ऊपर है और 1 नेगेटिव इसके ऊपर है, क्लियर हुआ। लोन पेयर या अनशेयर पेयर ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए, ओनली 2 या 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं,
अगर इसके पास 4 से कम होते तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, अगर 4 से ज्यादा होंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इन टोटल ऑक्सीजन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो 6 तो इसके पास अपने बड़े हुए, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गया इसके पास, तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। उसी तरह से यहां पे भी इसके पास 6 पड़े हुए, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, अगेन नेगेटिव चार्ज। हैव यू अंडरस्टूड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपने किस तरह से शो करने? ओके, तो एक पॉजिटिवली चार्ज भी करते हैं H3O पॉजिटिव, इसे बुलाते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास नहीं है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। सो ऑक्सीजन के पास इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 4 6 इस हाइड्रोजन के पास एक है, इस हाइड्रोजन के पास एक है, इस हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका एक शेयर कर लेगा, इसका शेयर कर लेगा, ये ऑक्सीजन के ही दोनों शेयर कर लेता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। सो व्हाट आर वी सेइंग, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये और ये, और ये भी एक सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, बट ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड है जिसे हम क्या बुला रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, पर इसने बॉन्ड बनाना है तो ऑक्सीजन कहता है तू मेरे दोनों ले ले और बॉन्ड बना ले, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज यहां पे किसके ऊपर है? हाइड्रोजन के ऊपर। सो दिस स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट, क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अ स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड, स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड फॉर sharing in which both the electrons provided by sharing is by one atom only. यहां पे arrow नजर आ रहा है हमें, ये arrow क्या signify कर रहा है कि oxygen इसको ये दोनों electrons sharing के लिए provide कर रहा है, तो जो देता है उसे हम donor atom बुलाते हैं और जो लेता है उसे हम acceptor बुलाते हैं, ठीक है। so donor क्या हुआ, ऑक्सीजन विच इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इसको हमने आयनिक बॉन्ड के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ शेयर कर रहा है, ठीक है। सो डोनर विच गिव्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग एंड एक्सेप्टर विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग, ठीक है। और एटम्स जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो लिखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सल्फेट आयन,
सल्फेट आयन SO4 टू नेगेटिव प्रेजेंट इन सल्फेट आयन कार्बोनेट आयन सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड ठीक है यहां तक हमें समझ आ गया. Then the next topic is formal charge. Formal charge. क्या होता है formal charge? Formal charge का significance ये है कि ये हमें most stable कोई भी एक structure है उसके बारे में बताता है. Formal charge सिर्फ covalent compounds के साथ associated होता है. ठीक है और ये हमें बताएगा कि जैसे हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं एक ही कंपाउंड के कहां पे हमको जो सराउंडिंग एटम्स है उसको किस तरह से हमने सेंट्रल एटम के साथ अटैच करना है ताकि जो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर बने उसका लोएस्ट फॉर्मल चार्ज होना चाहिए. ठीक है अब हम फॉर्मल चार्ज को मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं. Formal charge that is equal to number of valence electrons minus number of lone pair of electrons minus half of shared pair of electrons. Half of shared pair of electrons. तो B क्या है मैंने तीनों बता दिया आपको क्या होते हैं कौन से electrons होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है और हमने बोला कि फॉर्मल चार्ज का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो लोएस्ट फॉर्मल चार्ज वाला स्ट्रक्चर होगा वो सबसे स्टेबल होगा या टोटल फॉर्मल चार्ज एक किसी भी कंपाउंड का जीरो होना चाहिए. ठीक है तो दो हमने एग्जांपल्स करने हैं. फर्स्ट एग्जांपल ओजोन का मॉलिक्यूल. ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज दिस. ठीक है अब ओजोन के स्ट्रक्चर में लोन पेयर्स हम करते हैं इसके पास 1 2 3 4 ऑलरेडी है एड करने के लिए फोर इलेक्ट्रॉन्स और लगाएंगे है ना. इसके पास 1 2 है सिक्स इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे और इसके पास 1 2 3 4 5 6 है टू इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे. ठीक है अब जो हमने अभी कॉन्सेप्ट किया उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जीरो फॉर्मल चार्ज आना चाहिए क्योंकि चार ही अनपेयर्ड जो लोन पेयर है वो होते हैं ऑक्सीजन में मैंने अभी आपको समझाया था. तो इसके ऊपर जीरो होना चाहिए इसके ऊपर माइनस वन होना चाहिए और इसके ऊपर प्लस वन होना चाहिए. तो हम इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट पहले करा वो ठीक था कि गलत था. ठीक है सो हम नंबर कर देते हैं इसको नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री. सो हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट के ऊपर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास कितने हैं सिक्स. वैलेंस वैलेंस तो तीनों के पास सेम है ना सिक्स माइनस लोन पेयर कितने हैं टू. ठीक है शेयर्ड 1 2 3 4 5 6 राइट. सो अभी कितना हो गया सिक्स माइनस टू इज फोर माइनस थ्री प्लस वन. तो यही हमने बोला था कि जिसके पास चार से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए तो उसके ऊपर क्या आ रहा है पॉजिटिव. लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड वन. अगेन सेकेंड वाले में सिक्स माइनस सिक्स और
वन बाई टू इंटू टू, ए सिक्स और सिक्स कट गया, वन माइनस वन, सो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस वन ही आना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। फिर थर्ड वाले के ऊपर देखिए, थर्ड वाले के ऊपर अगर हम देखेंगे तो थर्ड वाले के ऊपर क्या आएगा, सिक्स माइनस फोर माइनस फोर है ना, सो जीरो आ जाता है। सिक्स माइनस फोर इज टू, टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो, तो इसके ऊपर जीरो ही आना चाहिए। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। हैव यू अंडरस्टूड फॉर्मल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इससे हमारा वाला कॉन्सेप्ट भी प्रूव हो गया ना कि अगर ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर उसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर उसके पास फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता, ठीक है। यही सेम आप नेक्स्ट जब हम हायर क्लासेस में प्लस टू में पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट ईयर पढ़ना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के पांच छह ऑक्साइड, पांच ऑक्साइड्स होते हैं, उन पांचों ऑक्साइड्स के ऊपर यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं कि कहां पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, कहां पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और किस तरह से हम उसके स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाएंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक एग्जाम्पल हम और कर रहे हैं, वी आर डूइंग द एग्जाम्पल ऑफ COCl2, फॉस्जीन बुलाते हैं हम इसे, दिस इज अ वेरी पॉइजनस गैस। ठीक है, जो इसके लिए स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट किया गया है वो ये है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, इसके ऊपर टू है तो सिक्स और होंगे, राइट। उसी तरह ये इसके पास भी टू है तो एट कंप्लीट करने के लिए सिक्स और चाहिए, पार्टू ला रहा है समझ, सो सिक्स और चाहिए हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो दो तो इसके पास है, यहां देखो दो तो इसके पास है ना, तो इसको एट चाहिए, तो एट माइनस टू इज इक्वल टू हाउ मेनी, सिक्स। सो हम क्या कर रहे हैं, फिर सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ड्रॉ कर देते हैं। अब इस ऑक्सीजन के पास वन टू थ्री फोर है, तो एट माइनस फोर, फोर टू कैसे, एट माइनस फोर दैट इज फोर, सो यहां पे भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन के पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर उसका एक सिंगल बॉन्ड बन गया तो उसके ऊपर छह इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर जीरो आना चाहिए, उसी तरह से इस क्लोरीन के ऊपर जीरो आना चाहिए, और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी जीरो आना चाहिए। कार्बन के चारों बॉन्डेड हैं तो इसके ऊपर कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कार्बन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, जीरो। सो जब हम कैलकुलेट करते हैं इन सब का, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट क्लोरीन, फर्स्ट क्लोरीन और सेकंड क्लोरीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो जो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट क्लोरीन के ऊपर आएगा वही सेकंड क्लोरीन के ऊपर आएगा, ठीक है। सो हम सबसे पहले फर्स्ट क्लोरीन का करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन, व्हाट आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, सेवन, वेरी गुड। सो सेवन माइनस लोन पेयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और शेयर्ड पेयर सेवन माइनस सिक्स इज वन, वन माइनस वन इज जीरो, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ गया जीरो, इसके ऊपर भी जीरो आ जाएगा क्योंकि एब्सोल्युटली सेम स्ट्रक्चर है ना। फिर ऑक्सीजन के ऊपर करो कैलकुलेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स माइनस फोर जीरो, सिक्स माइनस फोर इज टू, टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो, सो इसके ऊपर भी जीरो और कार्बन के ऊपर तो जीरो आएगा ही,
Why? Because all four they are already bonded. So ये formal charge जो है, this is very very important. Why? Because ये हमें exact जो structure है, वो किसी भी एक organic compound का देता है. ठीक है? So the last topic what we are going to do today is general properties of covalent compounds. General properties of covalent compounds. The first is state of existence. जो covalent compounds होते हैं, they generally exist as molecules. जैसे ionic compound generally exist as ions. यही पढ़ा था हमने. जो ये होते हैं दे जनरली एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स. इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दे आर वीक. दे हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है? क्योंकि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन करता है. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. थर्ड, दे आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ओनली. वॉटर में सॉल्युबल नहीं होते. क्यों? क्योंकि ये आयनिक नहीं है. और हमने पहले पढ़ा कि सिर्फ वो कंपाउंड्स जिसमें आयन्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल है. सो जितने भी ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये आयन्स की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड. राइट? नंबर फोर, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों होंगे नॉन कंडक्टर्स? अगेन बिकॉज इसमें आयन फॉर्मेशन नहीं है, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इजिली मूव कर सके. और जो भी स्पीशीज मूव नहीं करती वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती. ठीक है? वी अंडरस्टूड? नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट मोबाइल. ठीक है? द नंबर फाइव, दे अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. दे अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. और ये जो रिएक्शंस होती हैं, दे आर स्लो रिएक्शंस. एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर. इसके बेसिस पे हम लोग थ्योरीज करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं, वो इसकी डायरेक्शन देता है. ठीक है? जैसे हमने आयनिक बॉन्ड्स में क्या पढ़ा, दे आर नॉट डायरेक्शनल, बट ये जो है दे आर डायरेक्शनल इन नेचर. सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए? डिफरेंसेस भी कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स में इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं. जो आयनिक कंपाउंड्स है वो आयन्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है. कोवेलेंट में मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी. ये जो है ये गैसेस की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड्स की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड्स की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं. जैसे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस हैं. फिर उसके बाद बेंजीन इज अ लिक्विड.
CCl4 is also liquid, CH2 is also liquid. ठीक है, so they exist in all the three states. Low melting and boiling points, ionic bonds के, high melting and boiling points. They are soluble in organic solvents and ionic compounds are soluble in water. ठीक है, they are non-conductors, ionic are conductors. इनकी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है, उनकी आयनिक रिएक्शंस होती है. आयनिक रिएक्शंस जो होती है वो बहुत फास्ट होती है और इसकी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर वेरी स्लो. एंड देन लास्ट डायरेक्शनल, और आयनिक क्या है? नॉन डायरेक्शनल.